Good morning, students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 12. Enjoy the game. अब इसमें हम पहले games के बारे में पढ़ते हैं. Games क्यों जरूरी होते हैं? जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ knowledge gain करते हैं, उसके साथ साथ enjoyment भी जरूरी है. Enjoyment हम कई तरीके से कर सकते हैं. बहुत से लोगों को पसंद होता है अपने कोई भी एक्टिविटी करना, हर तरीके की एक्टिविटी करना. जैसे कि पार्ट टाइम वो कोई भी एक्टिविटी ले लेते हैं, जैसे गार्डनिंग करना और पेंटिंग करना, ये सब चीजें होती हॉबीज में, तो हॉबीज करते हैं, उनको पसंद होता है. और कुछ लोगों को गेम खेलना, स्पोर्ट्स पसंद होता है. स्पोर्ट्स भी जरूरी होते हैं, गेम्स खेलना भी जरूरी होते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो ये भी बहुत जरूरी है. स्पोर्ट्स जो गेम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनडोर गेम एंड आउटडोर गेम. इंडोर गेम्स में बहुत सारी चीजें होती हैं. इंडोर गेम्स क्या होते हैं? जो हम घर में खेलते हैं या खुली जगह की जरूरत नहीं होती है उनके लिए, तो वो है कैरम, चेस, टेबल टेनिस, स्क्रैबल, प्लेइंग कार्ड, लूडो. ये सब क्या है? इंडोर गेम्स हैं. जैसे कि लूडो बना हुआ है, तो लूडो तो बहुत से लोगों ने खेला होगा, तो इस टाइप के गेम्स जो इंडोर गेम्स में आते हैं. आउटडोर गेम्स में, आउटडोर गेम्स के लिए थोड़ी बड़ी स्पेस चाहिए होती है, ये घर में नहीं बाहर खेले जाते हैं, तो वो आउटडोर गेम्स होते हैं. जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, हॉपस्कॉच, हाइड एंड सीक एंड टग ऑफ वॉर. इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं जो आउटडोर गेम्स में आते हैं. हॉपस्कॉच में आप इन सबको तो बाकी इन सबको जानते हो, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो. हॉपस्कॉच क्या होता है? हॉपस्कॉच जो आपने देखा होगा बाहर, छोटे बच्चे या आपने भी कभी खेला होगा, कि जमीन पे, ग्राउंड पे वो 1, 2, 3 करके पार्टीशन करके ब्लॉक्स बना देते हैं स्क्वायर में, और फिर उनमें 1, 2, 3 करके वो पैर से ही कूद के खेलते हैं, तो हॉपस्कॉच होता है. हाइड एंड सीक मतलब इसमें एक आदमी बच्चा ढूंढता है, बाकी सब बच्चे छुप जाते हैं और वो बच्चा उन सबको ढूंढता है एक एक करके, बारी बारी के. जबकि हाइड एंड सीक तो बच्चे अगर घर बड़ा होता है तो उसमें बड़े से घर में भी खेल सकते हैं, तो उसमें ग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, बड़े प्लेस की जरूरत नहीं होती है. स्पोर्टिंग स्प्लिट. स्पोर्टिंग स्प्लिट क्या होता है? स्पोर्टिंग स्प्लिट का मतलब मींस ये है कि जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो या कॉम्पिटिशन हो, हमको इसमें स्पोर्टिंग स्प्लिट रहनी चाहिए. मतलब हम चाहे हारे या जीते, हमको एक जैसा ही बिहेव करना है. मतलब हम गेम में पार्ट ले रहे हैं, खेल रहे हैं, उसको एंजॉय के साथ कर रहे हैं, खेल रहे हैं. अगर हम हार जाते हैं तो विनिंग टीम को या विनिंग पर्सन को हम कंग्रेचुलेट करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि बहुत अच्छा किया, मतलब उसने बेहतर खेला. इस वजह से हमको स्पोर्टिंग स्पिरिट रखना चाहिए और हमको खेल को एंजॉयमेंट के साथ खेलना चाहिए. ओके स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर 12, एंजॉय द गेम. थैंक यू.